मैं यहां खड़ा हूं एटा जनपद में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के कैंपस में, जहां पर के हड़ताली विद्युत कर्मी और अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि विद्युत कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर 72 घंटे की हड़ताल का जो ऐलान किया था, उसका आज दूसरा दिन है। लेकिन विद्युत मंत्री के सख्त होने के बाद एटा का जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है, और बीती रात को जो यहाँ एटा में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक थे सौरभ त्रिपाठी जी, उनको पुलिस द्वारा उठा लिया गया। उसके बाद यहाँ के सैकड़ों विद्युत कर्मचारियों ने कोतवाली में जाके पता किया, पूरी तरह से जब दबाव बनाया तो उनको बहुत देर में रात में लेट नाइट छोड़ा गया। आइए हमारे बीच सौरभ त्रिपाठी जो है पुलिस के बंधन से मुक्त होकर दोबारा धरना स्थल पर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनका। जी बताइए, कहाँ से आपको उठाया था और किस तरह से कहाँ ले गए थे? मुझे जो है जैसे मैं रूम पे पहुँचा अपने जहाँ हमारा आवास है वहाँ पहुँचे, वहाँ पहले से ही क्या कहते हैं 4 पुलिस वाले, दो अलग दो लोग खड़े थे सिविल पुलिस में। वो तो बाद पता चला, वहाँ से मेरा परिचय पूछे, मैंने बताया, उन्होंने मुझे गाड़ी बैठा लिया। मैंने उनसे बैठने का पूछा आप लोग कौन है, तो उन्होंने बताया कि हमें सिविल से। फिर वहाँ से और ये जहाँ से निकले, ये काली मंदिर होते हुए पूरा मार्ग गाँव को पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते हुए फिर रेलवे रोड पर ले गए, और क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर कोतवाली इंचार्ज मिले कोतवाली नगर के, वो मिले। फिर उन्होंने वहाँ पर मेरा मोबाइल ले लिया गया। उसके बाद से वहाँ पर बाइक से बैठा करके उस गांव पे घूमते हुए कासगंज रोड पे आए। कासगंज रोड पे लगभग हम 1 घंटे खड़े रहे, किसी का वो लोग वेट कर रहे थे। तो वो फिर जिसका वेट कर रहे थे फोर व्हीलर गाड़ी आई सफ़ेद कलर की, तो उसमें मुझे बैठा करके वहाँ से पोंटी चौकी ले जाया गया। पोंटी चौकी पे मिले SDM कलेसर साहब पहले से मौजूद थे, दो इंस्पेक्टर और SI और कई कांस्टेबल पहले से वहाँ मौजूद थे। वहाँ से SO जलेसर भी थे क्या वहाँ? नहीं, वहाँ SO जलेसर नहीं थे जी। उसके बाद 2-2.5 घंटा लगा मुझे पूर्वी चौकी बैठाया गया। उसके बाद फिर फोन आया किसी का पता नहीं। उसके बाद वहाँ से फिर मुझे गाड़ी आई वहाँ से कोतवाली जलेसर से, वहाँ से मुझे गाड़ी में बैठाया गया पुलिस गाड़ी में, फिर हमें कोतवाली जलेसर में आया गया। अच्छा, आपको पुलिस द्वारा उठाया गया SOG टीम द्वारा अचानक, चूँकि आप पूरे एटा जनपद का जो विद्युत कर्मियों का आंदोलन है इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो क्या कुछ वजह रही? क्या आंदोलन को दबाने की वजह थी या कोई आपके ऊपर और कोई मामला था? क्यों इतनी दूर ले गए, क्यों 3-4 घंटे तक आपको डिटेन रखा? देखिए, ये जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को दबाने की प्रक्रिया चल रही है और कोई प्रक्रिया नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि क्या कहते हैं हम इस ये चीज़ें करके आंदोलन को दबा लेंगे, इसलिए चीज़ें प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो क्या इस दौरान आपसे और भी कुछ पूछताछ की गई? क्या विद्युत सप्लाई बाधित थी, इसके बारे में कुछ जानकारी की गई या कुछ आपको हिदायत दी गई, या आपको कहीं कोई डराया धमकाया भी गया? नहीं, डराया धमकाया तो नहीं गया, लेकिन हिदायत जरूर दी गई। क्या हिदायत दी गई? हिदायत उनका ये कहना था कि जो भी बिजली व्यवस्था चरमरा रही है, अब आपको पता है पूरे कॉरपोरेशन स्तर पर ये चीज़ें चल रही हैं, उनका कहना था कि ये हमें खबर मिली है कि आप क्या कहते हैं आपकी वजह से बिजली व्यवस्था ठप है। उनको हमने समझाया कि हम संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं और स्वेच्छा से जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, 450 कर्मचारी हैं हमारे पास डेली लगभग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो डरा धमका गया, सब स्वेच्छा से आए हैं और समझदार हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उन्हें पता है कि उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़नी है, सब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं और स्वेच्छा से आ रहे हैं। ये सब चीज़ें बस ये हो रही हैं कि क्या कहते हैं कि दबाया जाए कुल मिला के आंदोलन को कुचलने के लिए सब किया, आंदोलन को कुचलने के लिए किया जा रहा है। और कल आपने देखा माननीय ऊर्जा मंत्री जी का भी आया था प्रश्न, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ें की, जनता के हितों से का ध्यान न रख करके बस ये जा रहा है कि हम जबरदस्ती किसी तरह से आंदोलन को दबा लें। अच्छा, ये बताइए जो आपका हड़ताल चल रही है पूरे एटा जनपद में, तो क्या कितने गांव की या कितने एरिया की विद्युत बाधित हुई है, कोई ऐसा भी है या सुचारू रूप से चल रही है? नहीं नहीं, अभी सप्लाई जो है क्या कहते हैं कल काफ़ी स्तर तक बाधित थी, प्रशासन द्वारा कुछ सप्लाई चालू रिस्टोर कराई जा रही हैं, लेकिन सप्लाई काफ़ी अभी बाधित है। अब आगे का आपका कदम क्या होगा? अब आप फिर आ गए हैं अपने आंदोलनकारी साथियों के बीच में, आगे कहाँ तक आंदोलन चलेगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि हम संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई इसमें असंवैधानिक चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ये हमें कानून भी कहता है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें, और ऐसे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम अपनी जायज मांगों में लड़ रहे हैं, और उन्होंने हमें मांगे दे दिया है, लेकिन उसे आदेश में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें गलत हो रही हैं। अगर हम मांग ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो भैया आपने हमें दिया है वो हमें दे दीजिए, और केंद्र के आह्वान पे हम लड़ रहे हैं। तो ये आपका जो हड़ताल है जारी रहेगी? नहीं, हमारी हड़ताल बिल्कुल जारी रही है। मेरे पास सुबह से केंद्रीय पदाधिकारियों का फोन आ रहा है। ये कदम क्या कहते हैं बहुत निराशाजनक, बहुत कर्तव्यपूर्ण एक कदम है कि किसी क्या कहते हैं कर्मचारी को, किसी को भी कर्मचारी हो जनता हो, आवाज़ दबाना गलत है।
तो ये थे हमारे बीच सौरभ त्रिपाठी, जो कि एटा जनपद में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक हैं। इनके नेतृत्व में विद्युत कर्मियों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन कल बीती शाम को जैसे ही इनको पुलिस के द्वारा उठाया गया, पूरे कर्मचारियों में आक्रोश आ गया। जब दबाव बना तो इनको देर रात इनको छोड़ा गया, और इनका कहना है कि ये आंदोलन को कुचलने की एक रणनीति मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इन्होंने ऐलान किया है कि ये आंदोलन और ये जो हड़ताल है ये अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश जिंदा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।